चाहिँ बाइ बस्छ दूसरा फैसला लेके नियम में दूसरा फैसला लेने की और उसका दूसरा अध्याय दूसरा फैसला लेने की उसका दूसरा अध्याय और हम पढ़ेंगे एक से लेकर तीन पद तक दूसरा फैसला लेने की दूसरा अध्याय एक से तीन કોઈ પણ માણસ કોઈ પણ પ્રકારે તમને ભમાવે નહીં, કેમ કે એમ થતા પહેલા ધર્મ ત્યાગ થશે તથા પાપનો માણસ એટલે વિનાશનો પુત્ર પ્રગટ થશે. परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है यदि आप सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी. और परमेश्वर पिता का वचन सही में हमको आज़ादी की दिशा में लेकर जाता है, क्योंकि जितने लोग परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं उसको लोग विश्वासी बोलते हैं. और विश्वासी तब बना जाता है जब वो किसी बंधन से छुटकारा पाता है, और बंधन से छुटकारा तब पाता है जब उसके पास परमेश्वर का वचन जाता है. तो परमेश्वर का वचन हमें एक छुटकारे की ओर, हमें आज़ादी की ओर और स्वतंत्रता की ओर लेकर जाता है. और आज का वचन बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से समझना, और कोई इस तरह से ना बैठे कि ये वचन किसी और के लिए, क्योंकि वचन हमेशा हमारे खुद के लिए होते, मेरे लिए होते. एक भाई साहब ने किसी को बताया कि जब हम शादी में खाने के लिए जाते हैं तो कितनी वैरायटी होती, हम सबसे पहला कौन सा खाते हैं, बोले जो हमको पसंद है वही. बोले इसी तरह से बाइबल भी है, बाइबल में जो पसंद है वो खाया करो, जो नहीं पसंद उसको छोड़ दो, ऐसा कुछ भी मत करना. शुरू से लेकर आखिर तक जो भी वचन है वो सिर्फ मेरे लिए है, चाहे मैं पुकारूँ फिर भी मेरे लिए भी वो है ही है. तो इसी तरह से बैठना है हमें, और सिर्फ आज नहीं हर बार हमें इसी तरह से बैठना है. जब भी हम वचन सुनते हैं, कहीं भी सुनते हैं, तो इसी तरह सुनने के लिए बैठना है कि परमेश्वर वो वचन आज मुझसे कह रहे हैं, आज मुझसे कह रहे हैं, चाहे और किसी के लिए हो ना हो लेकिन मेरे लिए है. इस तरह से हम उस वचन को सुने, क्योंकि वचन सिर्फ हमारे लिए होते हैं. कोई और मान लेगा आज्ञाकारी करेगा उससे हम स्वर्ग में नहीं जाने वाले, कोई नहीं मानेगा तो हम नरक में नहीं जाने वाले. तो हमको ही मानना है और हमें सब कुछ करना है. तो परमेश्वर का वचन व्यक्तिगत है हम सभी के लिए, तो व्यक्तिगत मानो उसको कि ये वचन मेरे लिए. कहीं भी जाओ, कहीं भी पुकारो वचन, कहीं भी सुनो, तो बस सिर्फ वो वचन मेरे लिए है, ऐसा मानकर वचन को हमेशा सुनते रहो. और मैंने सेवा में तकरीबन 14 साल से ज़्यादा हो गए, और मैंने सेवा में यही कुछ दिखा है कि एक अविश्वासी हो, एक अविश्वासी को विश्वास में लाना बहुत आसान बात है. कोई भी अविश्वासी हो उसको अगर विश्वास में लाना हो तो कोई बड़ी बात नहीं, उसको विश्वास में लाया जा सकता है. जो विश्वास में है उसको विश्वास में आगे बढ़ाना वो भी कोई मुश्किल बात नहीं, वो भी आसानी से हो सकता है. किसी को विश्वास में लाना और अविश्वासी को विश्वास में लाना, विश्वासी को आगे बढ़ाना, ये सारी बातें जो है उसमें मुश्किल वाली कोई बात नहीं, ये तो बहुत आसानी से जो होता है, आसानी से ये काम जो है वो हो जाता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं. लेकिन एक बार विश्वासी आगे बढ़ जाए, एक बार विश्वासी आगे बढ़ जाए, पूरा बाइबल पढ़ ले, बाइबल के बारे में जान ले, फिर मुश्किल उसके जीवन में आना शुरू हो जाती है. उसके जीवन में मतलब कि फिर ऐसे लोगों को समझाओ बहुत कठिन बात है. जिसको कुछ नहीं मालूम उसको समझाओ विश्वास कर लेगा, जो नया नया विश्वास में आया उसको विश्वास में आगे बढ़ाओ कोई बात नहीं, वो आगे बढ़ता जाएगा. हाँ मुझे और सिखाओ, मुझे और सिखाओ. मैं गया था किसी फैमिली के अंदर,
एक नया लड़का विश्वास में आया था, मुझसे मिला के और मुझसे बोलता है मैं अभी अभी विश्वास में आया, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया ना, ये अभी बपतिस्मा भी मेरा नहीं हुआ। मैंने बोला ठीक है। हम लोगों ने तकरीबन एक घंटे के करीब बात की और वो बहुत खुश हो गया और फिर वो अपने घर चला गया। हम किसी और परिवार में मिले थे। फिर दो तीन दिन बाद उसका फिर फोन आया, बोले मुझे मिलने के लिए आओगे? मैं बोला हाँ आऊँगा, उसमें कहें। मैं वहाँ पर गया, मैंने बाइबल वहाँ पर खोला नहीं। उसने बोला मुझे यीशु मसीह की बातें सुनना बहुत आनंद आता है, मुझे सुनना है उसको। बोला कोई बात नहीं। मैंने बोला बाइबल से भी कहाँ से उसको क्या निकाल कर बताऊँ, क्योंकि अभी तक तो उसने बाइबल ही नहीं पढ़ा, अभी तो नया नया मसीह में आया। मैंने उसको बाइबल से कुछ सिखाने का प्रयत्न किया, तकरीबन एक घंटा मैंने उसको सिखा दिया और मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, एक घंटा हो गया अभी मुझे बंद करना चाहिए। और एक घंटे के बाद मैंने बोलना बंद कर दिया। फिर वो चाय लेकर आया, हम लोग चाय नाश्ता किया। उसके बाद फिर मुझे और भी पता, मुझे और भी सीखना है, बस बोलते रहो। यीशु मसीह के बारे में सुनना बहुत आनंद आता है, यीशु मसीह के बारे में सुनना बहुत आनंद आता है। ये सही में स्टार्टिंग लेवल बहुत अच्छा होता है। अविश्वासी को विश्वास में लाओ, अविश्वासी को आगे बढ़ाओ, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत मान सम्मान मिलता है, बहुत आनंद से आसानी से ये सारी बातें जो होती है वो होती रहती है। लेकिन विश्वासी एक बार आगे बढ़ गया, प्रार्थना करते हो गया, बाइबल पढ़ते हो गया, उपवास करते हो गया, उसके बाद मुश्किल शुरू होती है। फिर उसको कुछ भी बोलो, ये आ गया मुझे सिखाने। फिर उसको डांटो, ये आ गया डांटने। सिर्फ इसी को मालूम है क्या? मुझे नहीं मालूम ये सब। परेशानी तब जाकर शुरू होती है। शुरू में कोई परेशानी नहीं, लेकिन बाद में परेशानी शुरू होती है। फिर बाइबल का वचन भी ऐसे सुनते, ये तो उसके लिए, ये मेरे लिए नहीं, मैं तो हूँ ही, मैं तो अच्छा ही हूँ, ये मेरे लिए नहीं, मैं तो इसी तरह से जीवन जीता हूँ। खुद को जांचने का ही प्रयत्न नहीं करते, लेकिन दूसरों के बारे में हाँ ये है ना वो ना, उसके लिए वचन सही है, ये उसके लिए वचन सही है, इसी तरह से वचन सुनते हैं। क्योंकि जब आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हें कुछ सहन करो फिर मैं तुम्हें स्थिर करूँगा, ऐसा यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें स्थिर करूँगा। और जब कोई पहाड़ चढ़ता हो ना, उसको गिराना बहुत मुश्किल है। किसी कोई पहाड़ अगर चढ़ता हो ना, आप उसको गिरा नहीं सकते, क्योंकि वो संभल संभल कर पहाड़ चढ़ेगा, पूरी ईमानदारी से संभल कर देखेगा कि कहाँ गिरने की संभावना है, कहाँ क्या पकड़ना है। लेकिन जब ऐसा स्ट्रेट रास्ता आएगा तब वहाँ कैसे चलेगा? तब बिंदास चलेगा। और शैतान भी उसी वक्त का इंतजार करता है। कोई भी नया विश्वास जैसे पहाड़ चढ़ता है ना, ऐसे चढ़ता है देख देख कर, संभल संभल कर। और जब संभल कर चलता है तो शैतान को भी मालूम है अभी इसको नहीं गिरा पाऊंगा, लेकिन एक बार उसको ऐसा लगा अब मैं ठीक हूँ, अब मैं मसीह में आ गया, अब मेरे पास वचन आ गया, अब मेरे पास ये है, अब मेरे पास वो है, फिर परेशानी शुरू होती है। और तब शैतान कभी भी आकर उसको गिरा कर चला जाता है, लेकिन उसको पता तक नहीं चलता कि मैं गिर चुका हूँ। और इस तरह से जीवन जीता है कि मेरे लिए वचन नहीं है, मैं तो हूँ अच्छा, लेकिन ये वचन तो उसके लिए है। फिर दूसरों में गलती नज़र आती है, दूसरे पास्टरों में नज़र गलती नज़र आती है, और जिसके जरिए विश्वास में आया और उसके अंदर भी गलती नज़र आती है। फिर तो फिर ये नहीं देखता कि एक समय था कि जब मेरे पास कुछ नहीं था, तब तो इसी ने मुझे सिखाया था, तब इसी ने तो मुझे बताया था, इसी के जरिए तो मैं विश्वास में आया था। लेकिन वो बात भी वो भूल जाता है, क्योंकि शैतान उसको गिरा चुका होता है। बहुत ध्यान से समझना, किसी ने मुझसे मैसेज भेजा और मैसेज में ये भेजा कि क्रिश्चियन मतलब 2400 घंटे ऑन ड्यूटी, 2400 घंटे ऑन ड्यूटी रहता है। एक था मसीह और वो प्लेन में जा रहा था, प्लेन में तो सब कुछ मिलता है, वहाँ शराब भी पीने को मिल जाता है, जूस भी पीने को मिल जाता है, सब कुछ पीने को मिल जाता है। एक क्रिश्चियन था, उसके पास वो एयर होस्टेस आई उसको लेकर, शराब लेकर, उसने बोले मना कर दिया मैं नहीं पीऊँगा। बोले क्यों? ये तो सॉफ्ट ड्रिंक है, ये सब लोग पीते हैं, आप भी पियो। बोले मैं तभी पीऊँगा पहले उस पायलट को जाकर पिलाओ। बोले पायलट को नहीं, पायलट तो अभी ड्यूटी पर, अगर पायलट पिएगा तो फिर मालूम है प्लेन कहाँ से कहाँ जाएगा। बोले मैं भी क्रिश्चियन हूँ, मैं 24 घंटे ड्यूटी पर रहता हूँ, मैं भी नहीं पीता, मैं नाश हो सकता हूँ। 24 घंटे स्थिर, 24 घंटे पहाड़ चढ़ने की संभावना, 24 घंटे पहाड़ पर चढ़ रहे हो ऐसे एक सावध, अगर सावध नहीं रहेंगे तो शैतान कभी भी गिरा सकता है। और शैतान तभी गिराता है जब लोगों को ऐसा लगता है कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। स्टेनो अभी तो बहुत छोटा है, 12 साल के, लेकिन उसके लिए भी मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा है। कल वो आपका लड़का, उसको उठने बैठने की तमीज नहीं है। मैं किसी को बोलता हूँ ठीक है मैं देख लूँगा,
लेकिन मेरे मन में तो सवाल आता है, तू 12 साल का था तब क्या कर रहा था? कभी स्टैनू के समान कभी आयत निकाल कर बताई थी क्या? लोगों के बीच में कभी पढ़ता था? ये बातें नहीं दिखाई देती? स्टैनू कभी भी हो, कहीं भी बैठता है, कभी उड़ो, कभी भी ये करता है, वैसा करता है। अरे सैलू सैलू सो गई, ये तो 7 साल की अभी अभी हुई, 7 साल की, उसके बारे में भी मुझे कंप्लेन आ चुकी। वो कभी भी कुछ भी बोल देती है, तो 7 साल का तू था तब क्या करता था? 7 साल के बच्चे को क्या अकल होगी क्या? कब उसको क्या बोलना है? नहीं होगी तो बोल सकती हो। 12 साल के लड़के को क्या उठने बैठने का भान होगा कि कब उठना है, कैसे उठना है? क्या हम कभी बच्चे नहीं थे? आके उसकी कंप्लेन। अरे खुद को देखो, खुद 12 साल के थे तब क्या कर रहे थे, खुद 7 साल के थे तब क्या कर रहे थे। लेकिन शैतान तभी पकड़ता है, उसी वक्त पकड़ता है शैतान, कि जब उसको ऐसा लगता है अब मैं ठीक हूं, अब मैं ठीक हूं, अब मुझे सब कुछ आ गया और अब मुझे कोई भी जरूरत नहीं। जो अच्छी बातें वो दिखाई नहीं देती, लेकिन लोगों के अंदर गलती जो है वो गलती वो दिखाई देती है, वो गलती दिखाई देती है। ये नहीं दिखाई देता कि सबसे पहले वो आयत निकाल कर पढ़ सकता है। हम इतने बड़े बड़े हो गए, वर्षों से बाइबल पढ़ते, हम नहीं निकाल पाते, हम उससे पहले नहीं पढ़ पाते, वो नहीं दिखाई देगा। लेकिन दिखाई देगा है, ये तो कभी भी ऐसा करता है, कभी भी वैसा करता है, कभी ऐसा बोलता है, कभी वैसा करता है। अरे मुझ में भी गलती निकाल देते, चलो कोई बात नहीं, मैं संपूर्ण तो हुई नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता मैं संपूर्ण और मुझ में गलती नहीं हो सकती, गलती हो सकती है मुझ में, मैं भी इंसान हूँ और गलती हो सकती है। हो सकता है कभी शैतान मेरे जरिए भी हो सकता है कुछ काम कर जाए, लेकिन गलती हो तो सामने आकर बताओ ना। जितने बाहर जाकर बात करेंगे तो समझ लेना गलती उसकी है, गलती मेरी नहीं है। हाँ गलती होगी तो सामने बोलेंगे ये भाई साहब तेरे अंदर इतना है, लेकिन नहीं बोल पाते, इसका मतलब गलती खुद के अंदर है। हालेलुया। तो ऐसे जब विश्वास ही किसी को बनाना है तो मुश्किल नहीं है, उसको आगे बढ़ाना तो मुश्किल नहीं है। कुछ वक्त पहले हमारे यहाँ मुस्लिम लोग आते थे, कौसर भाई, मैं नाम से ही बोलता हूँ, कौसर भाई आते थे और उनके साथ कई लोग आते थे। सभी लोगों ने आना बंद कर दिया, और आना बंद क्यों किया? कि उनके पास ऐसा एक वचन आ गया, हमें कुछ भी नहीं करना है, हम तो राजाओं के राजा के बेटे हैं, हम तो प्रभु के बेटे हैं। राजा कानून निकालेगा तो प्रजा के लिए निकालेगा, अपने बेटे के लिए कौन सा कानून? मतलब बाइबल हमारे लिए नहीं, बाइबल की आज्ञा हमारे लिए, जैसा चाहे ऐसा जीवन जियो, हम तो स्वर्ग में जाएंगे। क्या एक बाप अपने बेटे को नर्क में डाल देगा? क्या नहीं डालेगा, बाप कैसे नर्क में डाल सकता है? जो इतना दयालु इतना प्रेमी है वो क्या ऐसा कर सकता है? उसकी कृपा तो देखो, वो तो हमारे सारे पापों को भूल चुके, और अभी भी जितने पाप करेंगे उसको भूलते ही रहेंगे वो लोग। परमेश्वर हमें कुछ नहीं करने वाले, ये वचन मालूम नहीं उनको कहाँ से मिल गया, और यही संगत वाले को जाकर भरमाते, लोगों को फोन कर बुलाते, लोगों के घर में जाकर बोलते, और सभी से एक बात उस टाइम भाई को मत बता रहे। अगर सच्चे होते, अगर उनके अंदर गलती नहीं होती तो मेरे सामने आकर नहीं बोलते, मुझे नहीं बोलते कि नहीं आप गलत सिखा रहे हो, चलो हम आमने सामने बैठते, हम दोनों बाइबल खोलते। अब्बास भाई ने गलती से फोन कर दिया, और जहाँ पर फोन किया वहां पर मैं था, उन्होंने मुझे फोन दे दिया, मुझे बोलता है पहचान तो, मैंने बोला पूरा पहचान लिया, अभी आपको बहुत प्यार प्यार करते हो, प्यार प्यार की बातें करते हो, तो आओ ना मेरे सामने आकर बैठो, मुझे भी तो प्यार करो, लोगों को भरमाते हो, शैतानी काम करते हो। मैंने स्पष्ट बोला उनको, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने मैं आऊंगा, आपको मिलने के लिए आऊंगा, मेरे पास सभी लोग साथ में आना मुझे मिलने के लिए, हम बाइबल लेकर बैठेंगे और जितनी भी सच्चाई आप बोलोगे मैं बिना हिचकिचाट मान लूंगा। सच्चाई बताओगे तो आज तक मुझे मिलने के लिए नहीं आए, आज तक मुझे मिलने के नहीं आए। पहले वही लोग गवाही देते थे, हमने परमेश्वर को बहुत अच्छा सेवक बताया, हमको परमेश्वर ने बहुत अच्छा सेवक बताया। इस जगह को बोलते हैं शिफा खाना, वो लोग बोलते थे, मतलब कि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो चंगाई पाते हैं। यहाँ पर बोल रहे हमने परमेश्वर का अनुभव किया, हमने परमेश्वर को जाना, हमने परमेश्वर को पहचाना। मैं बोलता हूँ ना यहाँ तक सब कुछ ठीक है, अविश्वासी को विश्वास में लाओ और विश्वासी को आगे बढ़ाओ, वहां तक तो कुछ नहीं होता। जितने जितने लोगों को आप जानते हो, जितने जितने लोग यहाँ से वापस मुड़ चुके, सभी को जाकर पूछ लेना, सभी को जाकर पूछ लेना क्यों नहीं आते, क्योंकि अभी गलती मेरे में नजर आएगी, गलती मेरे परिवार में नजर आएगी, लेकिन मेरे सामने आकर क्यों नहीं बोलते? इसका मतलब गलत वही लोग है, गलत वही लोग है।
और इसलिए बाहर जाकर निंदा करते और बाहर जाकर कुछ भी बोलते, अभी ये ऐसा है, अभी वो ऐसा है। हमारे परमेश्वर ने पौलुस का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। पौलुस परमेश्वर का बहुत अच्छा दास था, पहले चाहे कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर ने पौलुस का बहुत ऐसे इस्तेमाल किया और पौलुस सही में परमेश्वर ने उसका इतना इस्तेमाल किया, बहुत ज़्यादा चमत्कार करवाए उसके जरिए वचनों का भेद बहुत खुला। और ये जो पौलुस थे उसके जरिए कई कलीसिया, वो भी इज़राइल को छोड़कर बाहर, बहुत सारे कलीसिया मसीह में आई और बहुत सारी कलीसिया जो है वो पौलुस के जरिए बन गई। और पौलुस देखना, बाइबल पढ़कर, प्रेरितों के काम पढ़कर देख लेना, फिर उसकी सारी पत्रिका को पढ़कर देख लेना, तो पता चलता है कि पौलुस जो थे वो जितनी भी कलीसिया बनी थी उनके जरिए उन सभी की देखभाल बहुत अच्छे से करते थे। और पौलुस जो थे वो सभी कलीसिया को, अगर कलीसिया को छोड़कर कहीं बाहर भी जाता था, वहाँ से उनको देखता था, वहाँ से वो देखभाल करते थे और वहाँ से इंसानों को भेज भेज कर, अरे कैसा चल रहा है करिंथ की कलीसिया में देख कर आओ तो, एफेसस की कलीसिया में कैसा चल रहा है देख कर आओ तो, और फिर कुछ भी उसको पता चले वहाँ पर ये है वो, तुरंत पत्र लिखो चलो और जाकर उनको बता दो, पत्र लिखकर वहाँ पर भेज दो, क्योंकि उस वक्त हमारे जैसी मोटरसाइकिल या ट्रेन प्लेन वगैरह तो था नहीं, वो कब जाता कब पहुँच पाता। तो पौलुस जो थे वो इसी तरह से पत्र लिखकर भी लोगों की देखभाल करते थे और पत्र लिखकर लोगों से मुलाकात करते थे और पत्र लिखकर अपनी बात उनके पास वो पहुँचा देते थे। ऐसे थे पौलुस, कलीसिया तो उनके जरिए बन गई लेकिन कलीसिया की देखभाल भी बहुत अच्छी तरह से करते थे। उसमें से एक कलीसिया थी करिंथ की कलीसिया, वो ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनो, करिंथ की कलीसिया पौलुस के जरिए बनी हुई थी। पौलुस ने उन सबको बपतिस्मा भी दे दिया, चाहे किसी के जरिए दिलवाया हो, लेकिन बपतिस्मा भी लोगों ने लिया और लोग कलीसिया के अंदर जुड़ भी गए और करिंथ की एक बड़ी कलीसिया वो अस्तित्व में आ गई पौलुस के जरिए। और पौलुस उनको बोलता है, कोई मुझे प्रेरित समझे या ना समझे, आपको तो समझना ही पड़ेगा क्योंकि कलीसिया पूरी बन चुकी है और वो भी मेरे जरिए, मतलब मैं तो प्रेरित हूँ। पौलुस उनको बहुत हिम्मत से बोलता है, लेकिन विश्वास में आने के बाद ये जो करिंथ की कलीसिया थी उनमें कुछ गड़बड़ी शुरू हो गई, उनके अंदर कुछ गड़बड़ी शुरू हो गई और पौलुस कहीं और थे और पौलुस को पता चला कि करिंथ की कलीसिया में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो पौलुस ने उस सारी बातों को पत्रों में लिखकर उनको पत्र दे दिया और हम उस पत्र के कुछ अंश पढ़ते हैं। पहला कुरंथी और उसका पहला अध्याय, नए नियम में पहला कुरंथी उसका पहला अध्याय और उसका 10वां और 11वां पद कोई पढ़ो। अरे भाई, वो अपना प्रभु यीशु कृष्ण ने नामे तुमने विनती करीने को कहो छु के तुम सर्व एक सरखी बात करो अने तुम्हारा मां पक्ष पड़वा न देता एक ज मनना तथा एक ज मतना तैने पूर्ण एकय रखो। बाइबल में लिखा है और उस पत्र में क्या लिखा कि देखो एकता रखो अपने अंदर, मन भेद मत होने दो, मत भेद होने दो। ऐसा हो चुका है आपके अंदर, ऐसा पौलुस करिंथ की कलीसिया को बताते और करिंथ की कलीसिया को बताकर बोला कि हे करिंथ वालों, आप लोगों में ऐसा है, एक बात क्यों नहीं करते, आप लोगों के अंदर मत भेद कैसे हो गया, आप लोगों के अंदर मन भेद कैसे हो गया। और फिर 11वां पद पढ़ो आगे, यहाँ पर लिखा है एक इंसान का पौलुस से नाम बता दिया, मुझे इस इंसान ने सब कुछ बता दिया आपके बारे में। हालेलुया। किसी ने जाकर पौलुस को फरियाद कर दी कि पौलुस जिसके घर तू जाता है, जो कलीसिया तेरे जरिए अस्तित्व में आई, उस कलीसिया में क्या चल रहा है पौलुस कुछ देख, देख इन लोगों में मतभेद हो गया क्या, उन लोगों में मनभेद हो गया क्या, मुझे लोग नहीं बता सकते, कहीं पर जाकर अगर कोई निंदा करेंगे, अगर पौलुस को बताएंगे तो क्या मुझे नहीं पता चलेगा, अगर पौलुस परमेश्वर का दास है तो क्या मैं परमेश्वर का दास नहीं हूं। पौलुस को जाकर किसी ने बता दिया ऐसा है इन लोगों में, तू जाता है तो अच्छा है लेकिन जब तू नहीं जाता तो वहां पर क्या क्या होता है देख। और पौलुस ने डायरेक्ट नाम से ही बता दिया, कोई बोल ही नहीं सकता कि हमारे अंदर ऐसा है ही नहीं, कोई बोल नहीं सकता।
और पौलुस ने उनको नाम देकर बता दिया कि ये जो खलोए का घराना है उसकी ओर से मुझे पता चल चुका है आप लोगों में ऐसा हो चुका है। वो ध्यान समझना पौलुस किस तरह से पत्र लिखते हैं और कैसे कैसे शब्दों में पत्र लिखते हैं। और आगे पढ़ो उसका 20वां पद, ज्ञानी क्या चे शास्त्री क्या चे आज हमने वाद विवाद करना क्या चे सुदेवे जगत ने मूर्खता ठहराई रहती। पौलुस ये बोल रहे कि कहाँ है ज्ञानी, कहाँ है तर्क करने वाला, कौन है विवाद करने वाला, क्या आपका जो ज्ञान है वो मूर्खता नहीं है? मतलब कलीसिया के अंदर मूर्खता चली गई, संसार का ज्ञान चला गया और सभी लोग संसार के ज्ञान में व्यस्त हो गए। यीशु मसीह को मानने के बाद अभी संसार के ज्ञान के पीछे पड़े है तो कलीसिया के अंदर, लेकिन उनके अंदर संसार का ज्ञान, जगत का ज्ञान, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। जब ऋतु बदलती है तो बीमारी तो आ ही जाती है, अगर धूप में जाते हैं तो बुखार आ जाता है, लग जाती है, अगर बारिश में नहाएंगे तो सर्दी लग जाएगी। ये तो सारा संसार का ज्ञान है, पूरा बाइबल पढ़कर देख लो कहीं भी प्रभु यीशु ने ऐसा बोला हो तो। अरे प्रभु बरसात बरसाए और वो सर्दी कर दे क्या, उसके अंदर इतनी ताकत है क्या? प्रभु सूरज बनाए और उसके धूप के अंदर बुखार के किसी को लू लग जाए? नहीं, ये तो जगत बोल रहा है ऐसा, वो परमेश्वर के खिलाफ बोल रहे हैं वो लोग कि तेरे बनाए हुए सूरज के कारण ऐसा हुआ, तूने जो बरसात बरसाया उसके जरिए ऐसा हुआ। नहीं, ये संसार का ज्ञान है। ऐसा खाना हमने खाया ना, खाना कुछ बदल गया, दूसरी जगह पर जाके ना खाना बदल गया, तेल बदल गया, तो हमारा हमारे शरीर के अंदर ऐसी कुछ परेशानी हो गई। अरे क्या खाना खाने से होता है? वो खाना क्या परमेश्वर ने नहीं बनाया? परमेश्वर के खिलाफ क्यों बोलते हो? ये पौलुस उनको डांट रहा है, उनको डांट कर बोल रहा है कि आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे, इधर आओ तर्क करने वाले, विवाद करने वाले मेरे पास आओ, ये सारी मूर्खता है। ऐसा पौलुस जो है वो इस करिंथ की कलीसिया को पत्र लिखकर उनको सामने बता देता है। और फिर आगे पढ़ते उसका तीसरा अध्याय और उसका तीसरा पद, केम के तमे हजी सांसारिक छो, केम के तमारा में ईर्ष्या तथा कज्या छे। पौलुस ने बहुत साफ बता दिया कि आप लोगों के अंदर ईर्ष्या और झगड़े है तो कलीसिया के अंदर है तो बपतिस्मा लिए हुए लोग। लेकिन पौलुस ने उनको पत्र लिखकर कैसा बताया, सीधा डायरेक्ट बोलता है तुम्हारे अंदर ऐसा है, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है, तुम्हारे अंदर झगड़े है, ऐसा पौलुस ने उनको सामने से बता दिया। और फिर आगे पढ़ते उसका चौथा अध्याय और उसका 18 और 19 पद, जाने हो तुम्हारे पास आवानो ना हो एम समझने के लायक मगरूर थे गया थे। हाँ, बाइबल में लिखा है कई लोग घमंडी हो चुके। पौलुस जैसे वहां से निकला, कलीसिया में से बाहर निकला, कहीं और जाकर काम कर रहा है और यहाँ पर सब घमंडी, सब घमंड में आ गए। और क्या बोल रहे हैं आगे पढ़ो, पर प्रभु ने इच्छा से तो हूँ तुम्हारे पास वेलो आवीश अने मगरूरो नु बोलू नहीं पर ते उनु सामर्थ्य जो लीस। बाइबल में लिखा है कि मैं जब आऊंगा तो उन घमंडियों को देख लूंगा। पौलुस हिम्मत से बात करे, मैं आऊंगा तो घमंडियों को देख लूंगा। ये सारी फरियाद ये पौलुस को किसी ने जाकर बता दिए, और ऐसा नहीं कि कोई वहां पर फरियाद करने के लिए गया, पौलुस ने इंसान भेजे होंगे। पौलुस ने बोल रहा होगा कि देखो मैं करंथ की कलीसिया को छोड़कर आऊ, वहां जाकर देखो कहीं शैतान उनके अंदर आ ना जाए, कहीं इधर उधर भटक ना जाए। और वहां से जो खबर आती है तो खबर ऐसी आती है, और खबर कोई ऐसा इंसान नहीं लेकर आया जो फरियाद करने वाला, ऐसा इंसान जो प्यार करने वाला है। और इसलिए पौलुस को पता है पौलुस वो कलीसिया में तो शैतान सही में आ चुका है, वहां तो ऐसा हो चुका है, कई लोग घमंडी हो चुके हैं और घमंड के मारे ऐसी वैसी वो लोग बात कर रहे। पौलुस बोलता है कोई बात नहीं, मैं आऊंगा तो घमंडियों को पकड़ूंगा। मतलब सामने जो भी घमंडी है उसको पता ही चला है कि इसी के बारे में लिखा है, और उसको डायरेक्ट बोल दिया मैं आऊंगा तो देख लूंगा तुझे, और तेरा बोलना नहीं, तू जो बड़ी बड़ी बातें कर तेरा सामर्थ्य देखूंगा आकर। पौलुस सामने से बोलता है मैं जाकर ऐसा करूंगा, और इनको घमंड भी कैसा आ चुका था। हम पढ़ते हैं आगे दूसरा कुरंथी उसका 10वां अध्याय और उसका 12वां पद, जो पोताना वखाण करे छे तेओ मने કેટલાક ની સાથે અમે પોતાની ગણના કરવાને અથવા પોતાને સરખાવવાને છાતે ચલાવતા નથી, પણ તેઓ મહોમાએ પોતાને એકબીજાથી માપીને તથા પોતાને એકબીજાથી ની સાથે સરખાવીને બુદ્ધિ વગરના છે। दूसरा कुरंथी 10:12 फिर से एक बार पढ़ो, जो પોતાના વખાણ કરે છે તેઓ મને કેટલાક ની સાથે અમે પોતાની ગણના કરવાને અથવા પોતાને સરખાવવાને છાતે ચલાવતા।
હતી પણ તેઓ માહુ માએ પોતાને એક બીજાથી માપીને તથા પોતાને એક બીજાની સાથે સરખામીને બુદ્ધિ વગરના છે બાઇબલ મે લખાય કે લોગ એક દૂસરે કે સાથ તુલના કરને લગ ગયે और तुलना भी कैसी डायरेक्ट पौलुस के साथ हम पौलुस के पौलुस से किस जगह पर आ गए चाहे पौलुस के जरिए हम विश्वास में आए लेकिन हम पौलुस के जे पौलुस से किस तरह से आगे निकल आए ऐसा घमंड जो है ऐसा घमंड उन लोगों में आ गया और फिर पहले कुरंथी में लिखा है पहला कुरंथी उसका पांचवा अध्याय આપકે અંદર વ્યભિચાર આ ચુકા હૈ વો ભી બડા વ્યભિચાર પૌલુસ કો યે સારી બાતેં જાકર કિસીને બતાઈ પૌલુસ સે ખબર કી કે જો કલીસિયા કે પીછે મેં જા રહા હું જો કલીસિયા મેરે જરે મસીહ મેં લોગ જો આયે जो लोग मसीह में अच्छे से बढ़ रहे थे उनके अंदर हुआ क्या है उनको देखने तो दो पौलुस उनकी संभाल कर रहे थे और इसीलिए वो देखते कि वहाँ पर हो क्या रहे जब उसको पता चला तो पौलुस खुद तो वहाँ जा नहीं सकते ऐसी परिस्थिति में कहीं पर बाहर होंगे कोई बात नहीं तब तक एक पत्र तो लिख देता हूँ पत्र भी कितना लंबा लिखा 16 अध्याय उसके अंदर आ गए बड़ा लंबा पत्र लिखकर पौलुस ने उन लोगों को भेज दिया और डायरेक्ट बोल दिया कि आपके अंदर स्पष्ट लिखा व्यभिचार जो है वो आ चुका है फिर सातवां अध्याय पढ़ते हैं तो सातवें अध्याय में तो पूरा पति और पत्नी के बारे में लिखा है कि लोग पति पत्नी ऐसे ही जुदा हो रहे ऐसे ही छोड़ रहे एक दूसरे को और कोई तलाक ले रहा है कोई ये कर रहा है कोई वो कर रहा है और पौलुस ने ये सब कुछ देखा तो पौलुस ने सामने से उनको लिख कर बता दिया कि आपके अंदर ये है आपके अंदर वो है घर पर जाकर एक ही बार में पहला कुरंथी पूरा पढ़ लेना ये जो पौलुस है उसने सही में बहुत कुछ इनको लिखा है करंथ की कलीसिया में जितनी भी गलती थी जितनी भी कमजोरी आ चुकी थी शैतान जहाँ जहाँ पर काम कर रहा था वो सारी बातें उसने स्पष्ट लिखी आप लोगों ने ऐसा किया है आप लोगों ने ऐसा किया है ऐसा स्पष्ट ये जो पौलुस थे पौलुस ने पत्र लिखकर उन सभी को सब कुछ बोल दिया और मुंह पर ही उनको डांट दिया और मुंह पर ही उनको बोल दिया और कैसा कैसा पौलुस उनको मुंह पर बोलते थे हम पढ़ते हैं पहला कुरंथी उसका चौथा अध्याय और उसका 19वां पद पर प्रभु ने इच्छा से तो हूँ तुम्हारे पास वेलो आवीस अने मगरूरों ने बोलू नहीं उससे नहीं होता पौलुस से हम जाते तो भूत निकल जाते हम जाते तो चंगा मिले पौलुस गया था तब कुछ भी नहीं हुआ था बड़ी बड़ी बातें करते थे कोई बात नहीं मैं आऊंगा तब मैं सिर्फ आपकी बातें नहीं सुनूंगा मैं बोलूंगा आप कर कर बताओ जो आप बोल रहे थे सक और फिर आगे पढ़ो उसका 21वां पद तुम्हारी से इच्छा जे वो तुम्हारे पास सोटे लेने आओ के प्रेम तथा नम्रता थी आओ और उस स्पष्ट बोलते मैं किस तरह से आपके पास आओ क्या सोटी लेकर आऊं मैं आपके पास मारने के लिए पौलुस पूरी तरह से उनको डांट रहा है बिना शर्म बिना हिचकिचाहट पूरी तरह से उनको डांट रहा है कि आप में ऐसा ऐसा है तो मैं अब किस तरह से आऊं आपके पास जब भी आऊं तो कैसे आऊं क्या प्रेम के साथ आऊं क्या क्या सोटी लेकर आओ मैं किस तरह से आपके पास आऊं पौलुस बहुत हिम्मत से इन लोगों को ये कलीसिया वाले जो थे उनको हिम्मत से पूरी तरह से डांटते हैं और फिर आगे पढ़ते हैं उसका पांचवा अध्याय पहला कुरंथी उसका पांचवा अध्याय और उसका 13वां पद पर जो बाहर ना छे क्यों ना न्याय देव करे छे तो तुम्हें तुम्हारा मत दुष्ट ने दूर करो जिसको जिसके बारे में पौलुस को लगा तो पौलुस ने उसके लिए शब्द क्या बोले उस दुष्ट को निकाल दो बोले अंदर से मेरे आने से पहले उसको निकाल दो कलीसिया में से दुष्टता बढ़ चुकी है उसके जरिए तो निकाल दो ऐसे लोगों को कितना स्पष्ट बोलता है पौलुस उस दुष्ट को उसके काम लिखे उसका नाम तो नहीं लिखा लेकिन उसके काम लिखे कि जिस जिस लोगों ने ऐसा काम किया उन लोगों को निकाल दो उस दुष्ट को निकाल दो ये पूरा पहला कुरंथी पढ़ोगे ना तो ऐसा लगता है कि पौलुस उनको बहुत जोरों से और बहुत स्पष्ट शब्दों से उनको डांटते बहुत स्पष्ट उनको बोलते और सही में
मैं बोलता हूँ अगर आज ऐसा लेटर मैं किसी को दे दूं ना, वो सभी लोगों को जाकर पता है, देख लो कितना घमंडी हो चुका है, मुझे ऐसा ऐसा लिख कर पता है, क्या मैं ऐसा हूं? वो कौन सा सेवक ऐसा ऐसा कोई लिखेगा क्या? सेवक होकर ऐसा लिखता है क्या? पौलुस घमंडी थे क्या? इसलिए पौलुस ये पत्र लिखा? अरे बाइबल में उसको जगह मिली है, ये पवित्र आत्मा से लिखा हुआ है। हालेलुया, ये पवित्र आत्मा से लिखा हुआ है, और इसलिए बाइबल के अंदर परमेश्वर ने बोला हिम्मत से लिख, कोई बात नहीं, जो भी ऐसा करता हिम्मत से डांट, नाम ले लेकर डांट, कोई बात नहीं। पौलुस ने हिम्मत से सब कुछ लिख दिया, और पौलुस ने बोल दिया आऊ तो कैसे आऊ, सोटी लेकर आऊ क्या? पौलुस बोलते है उस दुष्ट को निकाल दो, स्पष्ट बोलते हैं पौलुस, और स्पष्ट बात करते हैं, और स्पष्ट लोगों से ये पत्र लिखकर बता दे। क्या पौलुस सही में घमंडी थे? इसलिए क्या पौलुस ऐसा समझते कि मेरा जैसा कोई है ही नहीं, और इसलिए पौलुस ऐसा लेटर लिखते? क्या ऐसा पत्र पौलुस इसीलिए लिख रहे? कभी परमेश्वर का काम उसके अंदर नहीं रहा या अपने आप को बहुत घमंडी समझता है? क्या पौलुस लोगों को सुनाते हैं तू ऐसा है तू वैसा ऐसा सुनाने के लिए? क्या लोगों को ये पौलुस जो है वो लिख रहे? पौलुस सही में परमेश्वर का इंसान है, पौलुस पवित्र आत्मा से चलने वाले, वो ये नहीं दिखा रहे कि देखो मैं आपसे सबसे अच्छा हूं और इसलिए मैं आपको डांटता हूं, ऐसा दिखाने के लिए नहीं, किसी को सुनाने के लिए नहीं। पौलुस जो है वो इसलिए ये सब कुछ नहीं लिख रहे, सही में पौलुस को पूरे करिन्थ की कलीसिया के लिए फिक्र थी। पौलुस पूरी करिन्थ की कलीसिया चाहे कैसी भी थी, लेकिन पौलुस को उनके बारे में चिंता थी। पौलुस पूरी कलीसिया को बहुत प्यार करते थे, इसलिए हिम्मत से डांटते थे, इसलिए स्पष्ट बोलते थे। ऐसा नहीं था कि पौलुस को प्यार नहीं था। पौलुस ने देखा मैं इनके पास सुसमाचार लेकर गया, मैंने इनको परमेश्वर की खुशखबरी सुनाई, मैं इनको मसीह में लेकर आया, इनको बपतिस्मा दिलवाया, उनको पवित्र आत्मा दिलवाया, पूरे एक संगत खड़ी कर दे दी, किसी पास्टर के हवाले मैंने इनको कर दिया, इतना सब कुछ, ये सब कुछ छोड़कर आ गए मसीह में, और बेचारे फिर नाश में चले जाएंगे, फिर नरक में चले जाएंगे। पौलुस का आत्मा सही में रोता है ना, इसलिए वो रोकर लिख रहा है। हाँ उसके शब्द है भारी, डांटते तो है, स्पष्ट डांटते, लेकिन ऐसा नहीं कि वो किसी को सुना रहे, ऐसा नहीं डांटते, इसका मतलब ऐसा नहीं कि उनके अंदर प्यार है, वो प्यार इतनी तरह से भरा हुआ है कि लोग इतना सब कुछ करने के बाद नाश में ही चले जाएंगे और यही समझेंगे कि हम तो सही चल रहे। मैं इसलिए बोलता हूँ कि कभी भी कोई भी वचन सुनने के लिए बैठो, ये मुझे सुना रहा है, बस वही समझ कर बैठो, तब तक उद्धार नहीं होगा। पौलुस ने बोला खुद की परीक्षा करो, अगर जब तक खुद की परीक्षा नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। परीक्षा करना मतलब क्या? एग्जाम के पहले लड़के एक दूसरे से बोलते, जो विद्यार्थी होते एक दूसरे से बोलते, लोन इतना मेरा मुंह जबान लो ना, मुझे आता है कि नहीं। खुद की परीक्षा का मतलब ये कि जब भी वचन सुनते तो देखो अंदर मेरे अंदर है कि नहीं। पिछला पूरा हफ्ता देखो कि कब मैं कहाँ गया था, किसको मिला था, उस जगह पर ये पाप मेरे जीवन में आया था कि नहीं, ये है खुद की परीक्षा। ऐसा नहीं मैं तो ठीक हूँ, बस मुझसे आता है, ऐसे परीक्षा पास नहीं की जाती, पासिंग मार्क भी नहीं आते इसमें तो। और पौलुस को सबसे प्यार था, इसीलिए पौलुस ऐसा बोल रहे हैं। और फिर बाइबल में लिखा है दूसरा कुरंथी और उसका 11वां अध्याय और उसका 28वां पद। आ बाहरनी वात उपरांत एक बीजा प्रकारना बोझानो दबाण मारा पर दररोज થાય છે, એટલે બધી મંડળીઓ વિશેની ચિંતા। હાલેલુયા હાલેલુયા સૂર્ય સત્ય હાલેલુયા હાલેલુયા अभी सोते लगते हैं। हालेलुया हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि पौलुस बोल रहा है कि और भी एक बोझ मेरे ऊपर है, और वो है सभी कलीसिया की चिंता, पूरी मंडली की चिंता है। इसलिए पौलुस ये सब कुछ लिख रहे हैं, वो खुद अच्छे दिखाने के लिए, वो है ही अच्छे, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो सबसे आगे ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए नहीं लिख रहे। उनको ये है कि ये सारे लोग कहीं नाश में ना चले जाए, ये सभी लोग कुछ नाश में ना चले जाए। लेकिन ये पहला पत्र घर प्रदा कर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उसको पढ़ना, और एक ही बार में पढ़ लेना, और सही में बहुत भारी वजनदार शब्द से ये जो पौलुस थे उन्होंने लिखा हुआ है। किसी की भी शर्म के बिना, चाहे उसको कलीसिया में रहना हो तो रहे या तो छोड़ कर चला जाए,
चाहे वो भी बाहर जाकर थोड़ी निंदा करता है और निंदा करने वाला बन जाए, कोई बात नहीं, नहीं आएगा फिर से तो कोई बात नहीं, लेकिन आएगा तो बच जाएगा। ये समझकर पौलुस पूरी हिम्मत से ये जो पत्र है वो लिख रहे, और पौलुस ने जो पत्र लिखा सही में उसका बहुत जोरदार रिजल्ट आया, उसका जो परिणाम आया बहुत ही बढ़िया आया, और पूरी जो ये कलीसिया थी करिंथ की कलीसिया, पूरी कलीसिया के अंदर सुधार आ गया। पौलुस ने लिखा तो बहुत कैसोटी लेकर आऊँ, पौलुस ने लिखा मैं घमंडियों को देख लेता हूँ, आकर देखूंगा और उनका बोलना नहीं उनका सामर्थ्य देख लूंगा। पौलुस से बोला कि मुझे पता चल चुका है क्लोए के इंसान के घर आने से मुझे पता चल चुका है आप लोगों में मतभेद हो चुके, आप लोग तो ये बोलते हो कि उसका पत्र जो है बहुत वजनदार है लेकिन वो खुद उसके अंदर तो कोई ताकत नहीं, आप ऐसा बोलते मुझे सब कुछ पता चल गया। ये कलीसिया वाले पौलुस के पीछे, पौलुस के बारे में जो बोल रहे वो भी मालूम है, और भी जो कुछ पाप कर रहे, व्यभिचार कर रहे, चोरी कर रहे, झूठ बोल रहे, सब कुछ पौलुस को पता है, और पौलुस ने बहुत हिम्मत से लिखा, लेकिन जितना भी लिखा पौलुस ने प्यार से लिखा, और सही में ये जो पत्र लिखा इसका इतना जोरदार रिजल्ट आया, इतना जोरदार रिजल्ट आया, पूरी करिंथ की जो कलीसिया थी ना पूरी कलीसिया सुधर गई। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं दूसरा कुरंथी उसका सातवां अध्याय, दूसरा कुरंथी उसका सातवां अध्याय उसका दसवां पद, क्योंकि दिव्य इच्छा प्रमाण है तो खेद शोक नहीं पर तारण उपजावे एवं पस्ता उत्पन्न करे छे पर सांसारिक खेद मरण साधक छे। यहाँ पर लिखा है कि अगर परमेश्वर की ओर से अगर किसी को दुख दिया जाता है वो दुख ऐसा पश्चाताप पैदा करता है कि इंसान का उद्धार हो जाता है। यहाँ पर दो तरह के दुख के बारे में लिखा है, और एक दुख ऐसा है जो संसार की ओर से, और उससे क्या हो जाता है, उससे इंसान का नाश हो जाता है। पत्र एक ही लिखा, उसकी असर दो तरह की हो सकती है। एक तो ये असर होगी, पौलुस ने इतना डांटा मुझे, मैं ऐसा हूं तब ना, मेरे अंदर व्यभिचार इसलिए मुझसे डांटा ने, मैं एक मन का नहीं रहा तब मुझसे डांटा ने, मैं क्यों ऐसा हो गया, उसको दुख हो गया, मैं क्यों ऐसा हो गया, मैंने क्यों शैतान में चला गया, पौलुस ने इतनी ज्यादा मेहनत मेरे पीछे की थी, मैं पहले किस पाप के दलदल में फंसा हुआ था, मैं कैसी बीमारियों में था, परमेश्वर ने कैसे मुझे छुटकारा दिया था, मैं फिर उसमें चला गया, मैं फिर शैतान के पीछे चला गया, उसको दुख हुआ। लेकिन यह दुख के कारण पूरी कलीसिया ने क्या किया, पश्चाताप किया, नहीं अब हम सही से चलेंगे, अब पौलुस जिसको भी भेजना है भेज, कोई भी आएगा कलीसिया में देख एक भी गलती नजर आए तो अब हम सभी लोग सुधर जाते। एक दुख तो ये है कि जिससे उद्धार हो जाते, जल्दी बंद करो, एक ये है दुख, एक दूसरा दुख होता है, और दूसरा दुख पौलुस ने मुझे बोला तू अपना देखना, मुझे क्या बताता है, तेरे जरे मसीह में आ गया तो क्या तू मुझसे बड़ा हो गया, ये कोई तेरा काम नहीं है, ये तो परमेश्वर का काम है इसलिए मैं मसीह में आया। अरे तू बोल रहे हो वही शैतान का काम है, परमेश्वर ही लाते लोगों को मसीह में, लेकिन पौलुस था तो पौलुस के जरिए आए ना, क्या तेरे जरिए आए, वो तो परमेश्वर ने काम किया, वो तो परमेश्वर ने काम किया, तू मुझे सुनाता है, ये संसारिक दुख है। पौलुस ने मुझे बोला ऐसा, जा अब तो देख लूंगा तुझे भी कहाँ जाएगा, ये तो नर्क में जाएगा, पौलुस का तो स्वर्ग है ही पक्का, पौलुस को तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पौलुस ने जो स्पष्ट लिखा कि इसमें दो बातें हो सकती है, ये दो तरह की बातें हो सकती है, दो तरह के दुख होते हैं, एक संसार का दुख जो इंसान का नाश कर देगा, और एक परमेश्वर की ओर से दुख, जब इंसान ये सोचता है मेरे अंदर ऐसा हुआ तभी मुझे बोला ना, तभी मुझसे डांटा ना, अब मैं सुधर जाता हूँ, अब मैं ये करता हूँ, अब मैं पौलुस को बता दूंगा कि देख पौलुस मैं भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ, अब मैं पड़ोस को बता दूंगा पड़ोस अब किसको भी भेज, देख मेरे अंदर गलती नजर आए तो मैं मेरा चाल चलन सही कर दूंगा। पड़ोस ने ऐसे डांटा, स्पष्ट डांटा, लेकिन दुख जो होते हैं डांट का वो दो तरह का होते हैं, अगर सांसारिक दुख हुआ तो इंसान चला जाएगा नाश में, लेकिन वो परमेश्वर की ओर देखेगा मुझे परमेश्वर ने छुड़ाया और फिर मैं वापस चला गया, तभी उसने मेरे अंदर ये देखा ना, तभी मुझसे डांटा ना, वो इंसान जो होता है वो इंसान
वो उद्धार पाएगा। मैंने भी कई बार लोगों को डांटा, कई लोग तो मेरे बारे में यही बोलते थे वो कौन सा वचन देता है, वो तो डांटते ही रहता है। हाँ डांटता ही रहता, डांटना ही मेरा काम है। यीशु मसीह पूरा उनका प्रचार कभी भी देख लेना, एक भी प्रचार ऐसा नहीं जिसमें किसी को ना डांटा हो, सभी प्रचार में डांटा ही यीशु मसीह ने, और उसको देख लेना डांटा ही सभी को प्रचार में डांटना है। सभी लोग अच्छे अच्छे स्वर्गदूत को क्या डांटे के लिए जाएंगे हम लोग, ये लोग आप बहुत अच्छे अच्छे आराधना करते हो, क्या डांटे उनको, आप तो सारी आज्ञाकारी करते हो, डांटना क्या है। तो फिर हमारे जैसे कोई डांटना होगा जो संसार में, उसको तो डांटना ही पड़ेगा। तो वहां पर स्वर्ग में जब जाएंगे तब कोई नहीं डांटने वाला, लेकिन यहाँ पर डांट खाएंगे और परमेश्वर की ओर से उसको वो दुख हम ग्रहण करेंगे तो पश्चाताप होगा। लेकिन अगर ये समझते हैं ली कौन, तो जाएंगे नाश में, पक्का जाएंगे नाश में। लेकिन परमेश्वर जो है वो अपने दास के जरिए ऐसे वचन देते हैं, और वचन के जरिए वो परमेश्वर लोगों को डांट देते हैं। डांटते इसके लिए बाइबल में लिखा है, मैं दाख लेता हूँ और आप डालियो, ज़्यादा फल दो इसलिए मैं छांटता हूँ। छांटने का मतलब आगे से काट देना, यही तो है डांटना। अगर ज़्यादा फल लाना है तो वो डांटना तो पड़ता है, और परमेश्वर जो है वो ऐसा करते ही करते, परमेश्वर अपने दासों का उपयोग ऐसा करते ही करते। मैंने कई बार लोगों को डांटा, ऐसा करो वैसा करो, ये मत करो वो मत करो, डांटना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो परमेश्वर ऐसा काम करते। मैं कई बार लोगों को डांटता हूँ, और डांटता इसलिए हूँ कि मुझे कभी कभी बाहर जाना पड़ता है, कभी पंजाब जाता हूँ तो कभी 15 दिन, कभी 20 दिन, कभी 25 दिन, कभी महीना, कभी और जगह पर जाता हूँ, कभी 3 दिन, कभी 4 दिन जाना ही पड़ता। तब बड़ौदा में भी मेरी ज़रूरत पड़ जाती है, और कई बार फ़ोन आ जाते हैं, मैं किसी के किसी को बताता हूँ यहाँ पर चले जाना ना, यहाँ पर जाकर इतनी प्रार्थना कर लेना। फिर भी मेरे आने के बाद उस परिवार में उसी प्रॉब्लम के लिए जाना ही पड़ता है, क्यों? वहाँ काम ही नहीं हुआ होता है, क्यों नहीं हुआ होता? इसलिए तो मैं डांटता हूँ, ऐसे बनो कि लोग बोलने चाहिए कि स्टैनली तू नहीं है ना, हमें तेरी जरूरत नहीं है, बस इस इंसान को भेजा ना, हमारा काम हो चुका है, अब तू नहीं आएगा तो चलेगा, तू अपने घर पर रह, कोई बात नहीं। ऐसा बोलने चाहिए लोग, ऐसे बोलने चाहिए, लेकिन ऐसा आज तक हुआ ही नहीं है। मुझे आकर फिर वहां पर जाना ही पड़ता है, उस जगह पर मिलने के लिए जाना पड़ता है, और वो प्रॉब्लम जो होता है वो तभी भी उसके बाद भी प्रॉब्लम होता है। मैंने कई बार लोगों को बोला है, पैशन वीक में 8 दिन हमको मिलते, जाओ वहां जाकर प्रचार करो, बहुत लोग बुला रहे, आज तक एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने सामने से आकर मुझे बोला हो कि आपने मुझे 1 साल से ज़्यादा दिया और मैं तैयार हो चुका हूँ, बोलो आप मुझे कहाँ पर भेज रहे हो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। स्विच ऑफ कर, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। 1 दिन हो तो ठीक है, 2 दिन, सालों से कोई तैयार ही नहीं हो रहे। पौलुस जब देख रहे तो पौलुस ईमानदारी से उनको डांटता है, लेकिन जब डांटते हैं तब बुरा लग जाता है, इसमें बुरा लगाने वाले कोई बात है ही नहीं। लेकिन ईमानदारी से सही में परमेश्वर का काम जितने भी लोग हैं वो ईमानदारी से नहीं करते, ईमानदारी से नहीं करते। जब भी मैं बाहर होता हूँ, मुझे मालूम ये हम संडे की संगत करते हैं, ऐसे ही नहीं हो जाती संगत। लोग चाहे 7 बजे आए, 7 बजे के बाद आए, हमें 5 बजे से शुरुआत करनी पड़ती है। जब द्राक्ष नहीं मिलती तब उसको लेने के लिए, जब उसकी मौसम नहीं होती तो वहाँ खंडराव मार्केट पर जाना पड़ता है, और वहाँ फौरन से जो आयात होती है उसको लेकर आना पड़ता है। चलो पैसे की छोड़ो, कभी ऐसा तो बोलो जब मैं पंजाब हूँ कि बिंदु बहन द्राक्ष लाने में लेकर आता हूँ, इतना तो काम किया करो, जिम्मेदारी तो निभाया करो। और मैं बोलता हूँ मेरे परिवार को मीटिंग में लेकर जाओ तो भी कोई लेकर नहीं जाता। और कई लोग तो फिर बोलते स्टैनली भाई नहीं होते तब घर में चाय भी नहीं मिलती, क्या है ये सब? परमेश्वर अपने वचन से डांटते हैं, परमेश्वर अपने वचन के जरिए लोगों को बता दे क्यों आगे नहीं बढ़ रहे लोग, क्यों एक ही जगह पर बरसों से, आगे बढ़ना है हमें, एक जगह पर बैठने से क्या फायदा। परमेश्वर हमको बोला है, परमेश्वर पतरस को बोला मेरे पीछे चल। अब यीशु मसीह रुक जाएगा तो पतरस रुकेगा ना,
ईसु मसीह तो रुकते नहीं, चलते रहते, हर रोज लोग प्रार्थना करते रहते, तो ईसु मसीह को तो आज यहाँ और कल वहाँ, उनको तो जाना ही पड़ता है। लाजरस की बहन ने उनको बोला कि आप यहाँ पर आ जाओ। ईसु मसीह को तो कभी अमेरिका, कभी कनाडा, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी भारत, कभी यहाँ, कभी वहाँ, लोग प्रार्थना करते रहते, उनको तो जाना ही होता है। अगर ईसु मसीह के पीछे कोई चलता है, वो कभी भी रुक नहीं सकता एक जगह पर, उसको भी जाना ही पड़ेगा। वो रुक नहीं सकता, इसलिए तो ईसु मसीह ने बोला कि मेरे पीछे चलो। करिंथ वाले जो थे उनके अंदर तो बहुत बड़े बड़े पाप थे। ये विचार क्या छोटा पाप है? मतभेद क्या छोटा पाप है? मन भेद होना क्या छोटा पाप है? घमंड करना क्या छोटा पाप है? बड़े बड़े पाप करिंथ वालों के अंदर आ गए, बड़े बड़े पाप वाले भी सुधर गए। इतने बड़े पाप तो हमारे अंदर है नहीं, तो क्या हम नहीं सुधर सकते? हम नहीं बच सकते? हम आसानी से बच सकते, हम छूट सकते। ये जो करिंथ वाले जो थे वो सभी लोग सुधर गए, लेकिन पौलुस की निंदा करते हुए नहीं। ऐसा नहीं बोलता है निंदा करके मैं उससे बड़ा हूँ, निंदा कर कर नहीं बोलते कि मैं उससे आगे निकल चुका हूँ, लेकिन करिंथ वाले कैसे सुधरे? और बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थी और उसका सातवां अध्याय, और बहुत ध्यान से पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थी उसका सातवां अध्याय और उसका ग्यारहवां पद। कैसे जो तुम्हें देव ने इच्छा प्रमाणे नो की दो थयो तेती जो तुम्हारा मन में की भी आतुरता उत्पन्न थई। बाइबल में लिखा है आपके अंदर कैसी आतुरता उत्पन्न हुई, कितनी आतुरता उत्पन्न हुई, मतलब एक तलब जाग गई। कैसी तलब? और आगे पढ़ो। बड़ी पोता ने निर्दोष ठहरवानी तुम्हारी केवी उत्कंठा बड़ी, खुद को निर्दोष ठहराने की कैसी उत्कंठा। उत्कंठा मतलब पूरे हृदय से अंदर से तलब बाहर निकलना। पौलुस ऐसा बोल रहे, मैं व्यभिचार में छोड़ देता हूँ आज, निंदा कर कर नहीं, अरे वो तो ऐसा बोलता है उसको कुछ मालूम है, क्या मुझे देखने के लिए आए मैं व्यभिचार में हूँ? ऐसी बात नहीं, निंदा वाली बात नहीं। पौलुस को मैं दिखा कर रहूंगा व्यभिचार, छोड़ कर बताऊंगा, मैं निर्दोष बता दूंगा इसको, आज नहीं, आज तो थोड़ा मैं पाप में, लेकिन अब पौलुस जब दूसरी बार आएंगे या दूसरी बार पत्र लिखेंगे, मैं उनको बता दूंगा देख मैं कैसा सुधर चुका हूं। ओ पौलुस खुद बोल रहे कि आपको अपने आप को निर्दोष ठहराने की कितनी उत्कंठा, अपने आप को निर्दोष ठहराने की कितनी उत्कंठा। उन लोगों ने, पूरी कलीसिया ने, ये जो पौलुस थे उनकी निंदा नहीं की। निंदा कर कर ऐसा नहीं अपने आप को निर्दोष साबित कर दिया, देखो हम लोग निर्दोष हैं, ये पौलुस तो ऐसे ही लिखता रहता है और पौलुस ही ऐसा है, ऐसा नहीं। ऐसा निंदा कर कर अपने आप को बड़ा नहीं ठहराए, अपने आप को निर्दोष नहीं ठहराए। कई बार कोई भी कहीं भी जगह मुझे परमेश्वर घर में बता देते कौन कहां पर तेरी कैसी बातें कर रहा है। एक जगह पर मैं मीटिंग चला रहा था और वहां पर परमेश्वर का एक दास भी वहां पर मीटिंग वो भी आ रहे थे, वहां पर वो भी सुनने के लिए आते थे। जैसे मैं वहां से घर से निकल जाता था वो लोग तो वहीं पर बैठते थे, और फिर वहाँ जितने भी लोग आए थे उन सभी का दिमाग और उस परिवार का दिमाग भी घुमा देता था, और बोलता था स्टैनली भाई ने जो सिखाया ना वो गलत है, और देखो सही में ये वचन क्या कहना चाहते हैं उसको उल्टा कर वहाँ बता देता था। मैं घर पर बैठता परमेश्वर मुझे घर पर बता देते हैं ये जगह पर ऐसा हो रहा है। एक हफ्ता, दो हफ्ता, तीन हफ्ता, महीने तक चला ऐसा, एक दो महीने नहीं काफ़ी लंबे समय तक चला। मैं सोचता था कि कभी इस परिवार को पूछूंगा मैं, लेकिन जब विजिट करने के लिए जाता था मैं भूल जाता था। लेकिन एक बार ऐसा ही हुआ, मैं गया और मुझे ये बात याद आ गई, तो मैंने परिवार में पूछ लिया। मैंने बोला मेरे जाने के बाद ये सेवक ऐसा कर रहा है क्या यहाँ पर? तो जो मर था उसने तो मना कर दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उनकी जो पत्नी थी स्पष्ट बोलते हाँ आपकी बात सही है, वो ऐसा ही कर रहा है, वो बोलते कि आपकी बात गलत है। और फिर मुझे ऐसा हुआ कि बस, और उसके बाद भी मीटिंग चलती रही। एक बार मुझे ऐसा हुआ कि बस अभी ये मीटिंग आखिरी, अभी मुझे इस जगह पर मीटिंग ही नहीं करनी, क्या फ़ायदा मैं कर बाहर निकलता हूँ और वो निंदा कर और उस जो मैसेज दिया उसको उल्टा कर देता है, क्या फ़ायदा। और जब मैंने ऐसा सोचा तब उसी की संगत वाले एक लड़के ने उस दिन मुझे मैसेज ख़त्म होने के बाद मुझे बताया, स्टैनली भाई आपके मैसेज मेरे हृदय के अंदर बहुत असर करते थे, और मैंने परमेश्वर से तुरंत बोला परमेश्वर मैं आऊँगा और मीटिंग जो है मैं करता रहूँगा।
लेकिन पता चल गया परमेश्वर बता देते कौन कहाँ पर इकट्ठा होते हैं, कैसे काम करते हैं और कैसी कैसी बातें करते हैं, परमेश्वर आसानी से बता सकते। अगर पौलुस को बता सकते हैं तो परमेश्वर मुझे भी बता सकते, चाहे मैं पौलुस जैसा हूँ या ना हूँ। लेकिन हमारे परमेश्वर वो सभी की बातें बता देना प्रकट कर देने वाले से महान परमेश्वर है। पौलुस को गुस्सा नहीं आया था, पौलुस को प्यार था कि लोग बच जाएं, और इसलिए पौलुस स्पष्ट डांटता था उनको प्यार की वजह से कि मेरी वजह से ये लोग मीटिंग में आए, मेरी वजह से ये लोग विश्वास में आए, विश्वास में बढ़े और बपतिस्मा लिया और विनाश में चले जाएंगे। और ये पौलुस को फिक्र थी, पौलुस को चिंता थी, और इसलिए पौलुस ने ये काम किया। फिर आगे पढ़ो दूसरा कुरिन्थी 7वां अध्याय उसका 11वां पद फिर से पढ़ो। क्योंकि जो तुमने दिव्यनी इच्छा प्रमाणे नो खेत थयो तेती जे तुम्हारा मन मां केवी आतुरता उत्पन्न थई वड़ी वड़ी पोतानी निर्दोष ठरावानी तुम्हारी केवी उत्कंठा वड़ी केवो क्रोध। बाइबल में कैसा क्रोध, वो ध्यान समझ, इन लोगों को क्रोध आ गया, पौलुस के पत्र से क्रोध आ गया। लेकिन पौलुस पर नहीं आया उनको क्रोध, पौलुस पर उन लोगों ने गुस्सा नहीं किया, पौलुस तूने ऐसा ऐसा क्यों लिखा, ऐसा पौलुस को नहीं बोला। उनको गुस्सा आया उस शैतान के ऊपर, उनको गुस्सा आया अपने आप के ऊपर, मैं शैतान में फंस गया, शैतान के ऊपर का तू मेरे अंदर काम करता है, शैतान को भगा दियो। इतना गुस्सा आया कि शैतान को भगा, तू भाग मेरे जीवन के अंदर से, विचार करवाता है, झूठ बोलवाता है, निंदा करवाता है, खुद के अंदर से बाहर निकाल दिया। पाप को उसको बड़ा नहीं किया, हाँ बैठा रहे पौलुस को तो बोलने की आदत है, उसको तो डांटने की आदत है। पाल पोसकर उस शैतान को बड़ा नहीं किया, उसको लात मार मार कर भगाया। ऐसा क्रोध इनके ऊपर इनको आया उस शैतान के ऊपर और उसको निकाल दिया। और आगे पढ़ो, बड़ी क्यों भाई, बड़ी क्यों आतुरता, आकांक्ष बड़ी क्यों उत्कंठा, बड़ी बदलो लेवानी की तत्परता, तुम्हें ते काम में परी परी बड़ी क्यों भाई। हाँ यहाँ पर लिखा है, और कैसा भाई, डर उनके अंदर, डर सा आ गया। कौन सा डर आ गया उनके अंदर, पौलुस आएगा तो मारेगा, ये डर नहीं था। पूरी कलीसिया वाले इकट्ठा कर पौलुस को ही मारकर भगा देते, ये डर नहीं था कि पौलुस आकर क्या करेंगे, डर ये था कि इतना सब कुछ किया हम मसीह में आ गए, अब नर्क में गए तो पता चल गया। पौलुस ने बता दिया आपके अंदर अंदर इतनी इतनी चीजें हैं और आप स्वर्ग में नहीं जा सकते, इनको डर लग गया नर्क में जाएंगे हम लोग, डर लग गए नहीं नर्क में नहीं जाना है। पौलुस ने चाहे कैसा भी डांटा, पौलुस तूने अच्छा ही किया, पौलुस आपने अच्छा ही किया मुझे डांटा, डर लगा पौलुस का नहीं लेकिन उस नर्क का डर लगा। और ये सारे लोग जो होते वो बदल गए, लेकिन कई लोग देखी जाएगी जब परमेश्वर आएंगे तब, नर्क में डालेंगे तो मैं अकेला कहाँ नर्क में होऊंगा, और भी तो नर्क में होंगे ना, उनका जो होगा वो मेरा भी होगा, देखी जाएगी तब। नहीं इनको डर लगा कि नर्क में चले गए तो। और फिर से पढ़ो आगे, बड़ी केवी आकांक्षा, बड़ी केवी उत्कंठा, बड़ी बदला लेवाने केवी तत्परता। हाँ यहाँ पर लिखा है बदला लेने की आकांक्षा तलब उसको अंदर से, इन लोगों को बदला देना है, बदला लेना है अभी हमको, किससे बदला लेना है, क्या पौलुस का मुंह बंद कर देंगे, कैसे बदला लेना है कि पौलुस बहुत बोलता है, अभी पौलुस को ऐसा करते वैसा करते, लेकिन उनके अंदर जो बदला लेने की तलब है वो ये थी कि आज उसने व्यभिचारी बोला हम बदला लेंगे, और कल वही इंसान बोलेगा ये तो पवित्र है, ये तो पवित्र, हम सुधर कर बता देंगे, बदला लेंगे पूरा हम। और आज जो हमको सुना गया ना कल हमारी तारीफ करने वाला बन जाएगा, ऐसा हम सुधर के बताएंगे पूरा बदला। इन लोगों ने सिर्फ बातें नहीं की, सिर्फ सोचा नहीं, अपने व्यवहार से पूरे करिंथ वाले ने जो था वो सब कुछ ऐसा कर बता दिया। वो ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुना, और पहला करिंथ तो घर पर जाकर पढ़ना ही पढ़ना। पौलुस ने डांटा है उन सभी लोगों को, ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं ना कि अगर करिंथ वाले नहीं होते कोई और होते सारे लोग नाश में चले जाते, लेकिन इन लोगों ने तो जो डांटा था उसको ग्रहण किया। मुझे डांटा हूँ तभी डांटा ने मुझे सके, अभी सुतर कर इसको बता देता हूँ, इसका मुंह बंद कर देता हूँ। पौलुस का मुंह बंद कर दिया, पौलुस अब बोल नहीं सकते।
पौलुस जो उनको डांटता था उनको तारीफ करने वाला बना दिया। पौलुस खुद अभी तारीफ कर रहा है दूसरे कुरिन्थी सातवें अध्याय की 11 पद में, उनकी तारीफ रहा, वो कितने अच्छे हो गए, आप लोगों को कितनी आतुरता हो गई, कितनी तलब लग गई, आप लोगों को कितना भय लगा, मैं आपकी तारीफ करता हूँ। पौलुस तारीफ करने के लिए लग गए। अगर पौलुस अगर नफरत से डांटते होते ना तो दूसरा पत्र भी नहीं लिखते, उनको प्यार था इसलिए डांटते, ये लोग नस में नहीं जाने चाहिए, ये लोग को बचने चाहिए। उसके जरिए जब मसीह आए तो उसको क्या पता नहीं चलता होगा कौन कैसे चल रहा है, कैसे जीवन जी रहा है, जिसका परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वचन जिसके पास है, जो वचन को जानता है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, वो दूसरे को आसानी से पहचान लेगा, चाहे वो कितना बड़ा परमेश्वर का दास है तो भी पहचान लेगा और उसको डांट सकता है और बोल सकता है कि तेरे अंदर ऐसा है, इसको दूर कर। और पौलुस ने डांट डांट कर इनको ऐसा डांटा, इतना इतने भारी शब्दों के अंदर डांटे, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, अपने आप को निर्दोष कर बता दिया। उस वक्त निर्दोष नहीं थे लेकिन उसके बाद अपने आप को निर्दोष कर बता दिया। सही में ऐसा होना चाहिए, जब भी परमेश्वर के वचन से डांट मिलती है दूसरे हफ्ते आकर बताओ मेरे अंदर था एक होगा, तभी परमेश्वर बताते हैं, वरना ऐसा वचन नहीं देते, ऐसे फालतू में परमेश्वर बोलकर बंद नहीं कर देते। जब किसी के अंदर होता है तभी परमेश्वर बताते हैं, वरना नहीं बताते। अगर कोई निंदा करता है तभी परमेश्वर निंदा का वचन देगा कि ऐसा है, तभी परमेश्वर बोलते हैं, वरना नहीं बोलते परमेश्वर। ये बहुत स्पष्ट बात है। ऐसे ही परमेश्वर क्या मुझे क्या ज्ञान बांटने के लिए बिठाएंगे, ये कोई ज्ञान नहीं बांटते परमेश्वर, उनको ज्ञान दिखाने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा इंसान के अंदर होगा तभी परमेश्वर वचन देख देते, आज ऐसा बोलना ऐसा है वहां पर। और करिंथ की कलीसिया ने जैसा जैसा किया सही में वैसा ही हमको करना चाहिए। जो डांट मिलती है बस उसको दिखा देना चाहिए, अब मैं बदल चुका हूं, अब मैं निर्दोष हूं, हाँ जब बोला था तब तो था ऐसा, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं हूं, अब मैं ऐसा नहीं, अब मैं ऐसा नहीं, कर बताना है, बस बातें करने पड़े, मेरे से नहीं होता, मैं नहीं कर सकता, परमेश्वर मुझे बल दे, परमेश्वर मुझे शक्ति दे और तब मैं करूँगा। 38 साल वाले को बोला उठ, तो कौन सा बल था उसके अंदर, अगर ताकत होती बल होती तो पहले से खड़ा नहीं हो जाता, लेकिन जब बोला कि परमेश्वर बोल रहे कि उठ, तो उठने का प्रयत्न तो करो, बल तभी आता है, नहीं परमेश्वर उठाएंगे तब उठेंगे, परमेश्वर चलाएंगे तब चलेंगे, परमेश्वर भेजेंगे तब जाएंगे, नहीं पहले उठना है, हमें उठने का प्रयत्न करना है, हमें जाने के लिए प्रयत्न करना है, परमेश्वर अपने आप रास्ते खोलते हैं। लेकिन हम बोलेंगे परमेश्वर ही सब कुछ आकर करे, परमेश्वर ही सब कुछ आकर करे, तो परमेश्वर ऐसे करते भी नहीं है और परमेश्वर ऐसे लोगों के पास वो आएंगे भी नहीं। लेकिन ऐसे जितने लोग हैं वो ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुना, जब ऐसे लोग होते जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, जो परमेश्वर की ओर से डांट भी खाते हैं और फिर भी परमेश्वर की ओर से उनको पश्चाताप नहीं होता, उनको दुख होता है तो संसार की ओर से दुख होता है, ये मुझे ऐसा सुना गया वैसा सुना गया, ऐसे लोगों को परमेश्वर एक शब्द बोलते हैं और वो शब्द है, हम पढ़ते हैं जो वचन आज हमने पढ़ा था दूसरा थेसलोनीकी और उसका दूसरा अध्याय और वहां पर पढ़ते हैं उसका तीसरा पद। कोई मानस कोई पण प्रकारे तमने बमावे नहीं, केम के एम तथा पहला धर्म त्याग थसे तथा पाप नो मानस એટલે વિનાશ નો પુત્ર પ્રગટ થશે। ભાઈ પર મે લખાય ઈસુ મસીહ કે આને સે પહેલે વિનાશ કા પુત્ર જન્મ લેગા જૈસા પ્રગટ હોગા। હાલેલુયા। વિનાશ કા પુત્ર પ્રગટ હોગા। ફિર સે પઢો, હિન્દી મે પઢો, दूसरा थेसलोनीकी दूसरा अध्याय तीसरा पद। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक कि धर्म का त्याग ना हो और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुरुष प्रकट ना हो, विनाश का पुरुष प्रकट ना हो। हालेलुया। जब तक विनाश का पुत्र प्रकट नहीं होगा तब तक यीशु मसीह का आना नहीं होगा। बहुत ध्यान समझना, यीशु मसीह का आना बहुत निकट है, इस धरती का अंत बहुत निकट है। मैंने बहुत बार बाइबल स्टडी में भी देख लिया है, प्रचार में भी सुन लिया है कि यीशु मसीह का आना बहुत निकट है,
उनकी सारी जो भविष्यवाणी थी वो सारी पूरी हो रही। और अभी धरती पर हम देख रहे हैं, धरती कांप है, अकाल है, और प्रजा प्रजा के खिलाफ, राज्य राज्य के खिलाफ, देश देश के खिलाफ, ये सभी कुछ हो रहे हैं। और आईएस वालों ने तो पूरी तरह से यीशु मसीह के आने के लिए रास्ता पूरा खोले दिया है। उन्होंने तो अभी यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। लेकिन पौलुस क्या बोल रहे, पहला दूसरा पद पढ़ो तो। अबे भाइयों, अपना प्रभु यीशु कृष्ण आवावे से तथा तेनी पासे अपना एक था थवावे से हमें तुमने विनती करे छी। हां, पौलुस ये बोल रहे हैं, यीशु मसीह के पास आपको इकट्ठा होने के लिए हम विनती कर रहे हैं। पौलुस अब ये बोल रहे हैं, मैं विनती कर रहा हूं आप लोग यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो जाओ, उसके पास हमें इकट्ठा हो रहे हैं। और आगे के जान प्रभु नो दहाड़ो जाने हमरा चावे होय एम समझी ने तमे कोई आत्मा वचन थी के जाने हमारा तरफ थी आवेला पत्र थी सहजे तुम्हारा मन ने चलित थवा ना दो। हाँ, बोले कि मैं जो पत्र लिखता हूँ उससे इधर उधर मत हो जाना, मैं डांटता तो हूँ, स्पष्ट बोलता तो हूँ और बता भी देता हूँ किसने मुझे किसके बारे में क्या बोला है, उस दुष्ट को दूर कर दो, मैं घमंडियों को देख लूंगा, तुम्हारे अंदर व्यभिचार है, किसी ने अपनी सौतेली माँ को रखा है तो सभी ने रखा होगा, जिसने रखा होगा उसको पता तो चल गया ना कि किसके बारे में बात करा, कितना स्पष्ट बोल रहे पौलुस। तो पौलुस बोल रहे मेरे पत्र से भी इधर उधर मत होना, पश्चातापी कर लेना, निंदा करने मत बैठना, मैं जो भी डांटता हूँ उसको सीधा सीधा मान लेना, मैं विनती करता हूँ यीशु मसीह आ रहे। और आगे ने घबराओ नहीं, कोई मानस कोई पण प्रकारे तमने भमावे नहीं, केम के एम तथा पहला धर्म त्याग से। हाँ, क्योंकि यीशु मसीह के आने से पहले धर्म का त्याग हो जाएगा और तथा पाप नो मानस, हाँ, इतले विनाश नो पुत्र, पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र वो प्रगट होगा, उसका जन्म होगा ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा लिखा है वो प्रगट होगा, विनाश का पुत्र प्रगट होगा। कौन है विनाश का पुत्र? प्रभु यीशु किसको बोलते हैं कि ये विनाश का पुत्र है? यीशु मसीह ने यहाँ पर एक शब्द बोला, विनाश का पुत्र। विनाश का जो पुत्र है वो विनाश का पुत्र प्रगट होगा। ये विनाश का पुत्र सही में है कौन? और यीशु मसीह किसको बोलते हैं कि विनाश का पुत्र? जो भी इंसान वो अविश्वासी था, विश्वासी बन गया, विश्वास में आगे भी बढ़ गया, आगे बढ़कर वो उपदेश भी करने लगा, वो चमत्कार भी करने लगा, भूत प्रेत भी निकालने लगा, परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह समझने भी लगा, फिर भी उसके अंदर जो गलती है, फिर भी उसके अंदर जो परमेश्वर वाली बात नहीं है, इसके लिए उसको डांटा भी, इसके लिए उसको सब कुछ बताया भी कि तू सुधर जा। उसको खुद को भी मालूम है कि मेरे अंदर ये गलती है, जो मुझे डांटता है वो सही डांटता है, एक उसके सामने कुछ बोल नहीं सकता। जब उसको खुद को मालूम है फिर भी दिखावा ऐसे करता है, मैं यीशु मसीह का चेला हूँ, मैं परमेश्वर का दास हूँ, मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, मैं मसीह में अच्छी तरह से चलता हूँ, ऐसा जो को दिखावा करता है और ऐसा बोलता है मेरे में कौन सी गलती है, खुद जानने के बाद भी, उसको खुद को मालूम है उसके बाद भी अगर वो ऐसा दिखावा करता है और लोगों से ऐसा करता है, अरे यहाँ तक कि प्रभु यीशु से भी पूछ रहे, प्रभु कौन सी गलती है मेरे अंदर, ऐसे को यीशु मसीह विनाश का पुत्र बोलते हैं। वो ध्यान समझक, जो अविश्वासी था विश्वास में आ गया, विश्वास में आगे भी बढ़ गया, वरदानों को भी पा लिया, उपदेश भी करने लगा, चमत्कार भी करने लगा, लेकिन फिर भी उसके अंदर गलती है, उसके लिए परमेश्वर ने उसको बार बार डांटा, डांट भी खाए, उसको पता भी है कि हाँ सही में ये बात मेरे अंदर है, फिर भी लोगों के पास जाकर ऐसा दिखावा करना, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं परमेश्वर का बहुत अच्छा दास हूँ, और यहाँ तक कि यीशु मसीह से भी बोल देना कौन सी गलती है मेरे अंदर, यीशु मसीह के बताने के बाद भी, ऐसो को यीशु मसीह क्या बोलते हैं, विनाश का पुत्र। बहुत ध्यान से समझना, ऐसो को यीशु मसीह बोलते हैं विनाश का पुत्र। यीशु मसीह के कई चेले थे, उसमें से 12 चेलों को यीशु मसीह ने अपना प्रेरित बनाया, उस 12 में से एक था यहूदा इस्करियोती।
यहूदा इस्करियोती विश्वासघाती था। यीशु मसीह को जो लोग दान देते थे वो दान ये यहूदा इस्करियोती के पास रहता था, उस दान को वो चोरी कर लेता था यीशु मसीह के पीछे पीछे घूमने के बाद भी। यीशु मसीह अपने 12 चेलों को इकट्ठा किया और 12 चेलों को इकट्ठा कर कर ये बोला, मैं तुम्हें सारे सर्प और बिच्छू के ऊपर और शैतान के सारे पराक्रम के ऊपर मैं आपको अधिकार देता हूं, जाओ और जाकर भूत प्रेतों को निकालो, सारी बीमारियों को दूर कर दो, मुर्दे को जिंदा करो। और ये 12 चेले जो थे वो इधर उधर फैल गए, उनमें यहूदा इस्करियोती था, वो विश्वासघाती था, वो चोर था, फिर भी उसने उपदेश किए, उसने भी चमत्कार किए, यीशु मसीह के उपदेश भी सुने, यीशु मसीह के चमत्कार भी देखे। ये था यहूदा इस्करियोत, उसने खुद भी उपदेश किए और खुद उपदेश सुने भी, उसने चमत्कार भी किए, चमत्कार देखे भी, फिर भी चोरी करता था। यीशु मसीह उसको डांटते भी थे। और एक बार ऐसा हुआ, यीशु मसीह खाने के लिए बैठे और जब खाने के लिए बैठे तो यीशु मसीह ने दुखी होकर बोल दिया, आप 12 में से एक ऐसा इंसान है जो मुझे पकड़वा देगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ध्यान से समझना, अभी 12 में से क्या उनको मालूम नहीं था कि 12 में से कौन है। चलो यीशु मसीह को तो मालूम था, लेकिन जो पकड़वा देने वाला था यहूदा इस्करियोत उसको खुद नहीं मालूम था। वो अचानक ऐसे हो गया कि अचानक किसी को लाकर उसको पकड़, अरे मैंने क्या कर दिया, ऐसा तो नहीं हुआ। जब यीशु मसीह ने उसको ये बोला कि आप में से एक मुझे पकड़वा देने वाला है, उससे पहले वो याजक से मिल चुका था, 30 चांदी के सिक्के लेकर वो बैठा था और उसकी जेब के अंदर वो 30 चांदी के सिक्के अभी भी आवाज कर रहे थे, उसको लेकर ही वो वहां पर बैठा था। और यीशु मसीह ने वहां उन लोगों से बोला, और हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 26वां अध्याय और उसका 21 और 22 पद, અને તેઓ જમતા હતા ત્યારે તેણે તેઓને કહ્યું, હું તમને ખચિત કહું છું કે તમારામાંનો એક મને પરસ્વાધીન કરશે। યીશુ મસીહે સ્પષ્ટ બોલા, આપ લોકો મે સે એક, આપ 12 મે સે એક મુજે ઉન સિપાયો કે હવાલે રોમન સરકાર કે હવાલે કર દેગા। ઓર ત્યારે તેઓ ઘણા શોકાતુર થયા। હા દે તેઓ માનો હરેક તેને યહાં પર લખા હે ઉન મે સે હરેક, ફિર સે પડો, ત્યારે તેઓ ઘણા શોકાતુર થયા ને તેઓ માનો હરેક તેને પૂછવા લાગ્યો કે પ્રભુ શું તે હું છું। બાઇબલ મે ક્યા લખ્યા હે, સભી લોગ પૂછને લગે ક્યા વો મે હું। इसका मतलब यहूदा इस्करियोती ने भी बोला, क्या उसको नहीं मालूम था वो विश्वासघाती है, क्या उसको नहीं मालूम वो चोर था, क्या उसको नहीं मालूम यीशु मसीह ने बोला कि आप में से एक मतलब मुझे ही बोल रहे, फिर भी उसकी हिम्मत देखो, यीशु मसीह मैं हूँ। सभी के साथ वो भी पूछ रहे हैं, यीशु मसीह क्या मैं हूँ, यीशु मसीह में क्या क्या वो मैं हूँ। ये है विनाश का पुत्र, विनाश का पुत्र, चाहे लोग उसको बड़ा चेला समझे, चाहे उसके जरिए बड़े बड़े चमत्कार हो, चाहे भूत प्रेत निकले, चाहे उपदेश करे, हे विनाश का पुत्र, उसको मालूम है कि वो खुद क्या कर रहा है, फिर भी पूछ रहा है, फिर भी यीशु मसीह और भी कितना प्यार करते। यीशु मसीह ने बोला कि जिसको मैं निवाला लेकर उसके मुंह में डालूंगा ना, वो इंसान वो ही है। क्यों यीशु मसीह ऐसा कहना चाहते है, यीशु मसीह सबके सामने उसको नंगा नहीं कर रहे, यीशु मसीह उसको अभी भी बचाना चाहते हैं। मेरे भाई मरना तो मेरा है ही, वो कैसे न कैसे हो ही जाएगा, तू तो अपनी जान बचा ले, यीशु मसीह ये चाहते थे। और आगे पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह ने ऐसा किया तो उसके बाद आगे लिखा है 25वां पद पढ़ो, त्यारे तेरे परस्वाधीन करना यहूदा पूछू के रब्बी शू ते हूँ छू। उसके मुंह के अंदर निवाला डालने के बाद बोला कि जिसके अंदर जिसके मुंह के अंदर मैं डालूंगा ये वही है। अभी 30 चांदी के सिक्के तो अंदर आवाज कर रहे हैं और फिर भी वो ये पूछा क्या मैं हूँ, क्या वो मैं हूँ। कितनी बड़ी बात ये जो यहूदा इस्करियोती है उसके जीवन के अंदर, क्या प्रभु उससे प्यार नहीं करते थे, प्रभु उससे प्यार करते थे। यूहन्ना 13 में लिखा है कि यीशु मसीह अंत तक सभी के ऊपर प्यार करते रहे, यहूदा इस्करियोती के ऊपर भी यीशु मसीह प्यार करते रहे। इसने उपदेश सुने भी थे, इसने उपदेश किए भी थे, चमत्कार देखे भी थे और चमत्कार किए भी थे, डांट उसने खाई भी थी, स्पष्ट यीशु मसीह उसको बता भी दिया था कि
कि तू है, फिर भी इसके जीवन में कोई भी सुधार नहीं आएगा। लेकिन करिंथ वाली कलीसिया पूरी की पूरी सुधार गई। लेकिन यहूदा इस्करियोती ने अपने आप को बदला नहीं, और बाइबल में ऐसा लिखा है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 17 अध्याय, यूहन्ना 17 और उसका 12वां पद। वो देवनी साथे हो तो त्यां सुधी तारो नाम जी देवने आपू छे, तेमा मैं तेवने संभाली रख्या अने मैं तेवनु रक्षण कर्यू अने शास्त्र वचन पूर्ण थवा सारू विनाश न दी दीकरा सिवाय तेवो माना कोई नो नाश थयो नथी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहूदा इस्करियोते के बारे में यीशु मसीह ने क्या बोला? मैंने सभी लोगों को बचा लिया, सिर्फ एक उसके अंदर है जिसका नाम है विनाश का पुत्र। यीशु मसीह बोल रहे हैं, मैंने बहुत ट्राई किया इसको बचाने का, मैंने बहुत डांटा उसको, सब कुछ सिखाया, लेकिन ये एक विनाश का पुत्र है, उसके सिवा मैंने सभी लोगों को बचा पाया। मतलब यीशु मसीह भी साथ होंगे ना, विनाश के पुत्र को नहीं बचा पाएंगे। वो डांटते हैं तो अपने आप को जांचो, मैं कहाँ पर क्या करता हूँ, कबूल कर लो ना उसमें क्या है। हाँ मैंने ऐसा किया था, मैंने ऐसा किया था, कबूल कर लो, और क्या है, नाश से तो बचाओ। लेकिन यहूदा इस्करियोती वो बचा नहीं, और यीशु मसीह ने आखिर में उसको नाम दिया विनाश का पुत्र। चलो वो तो मर भी गया, फिर पत्रस एक बार खड़ा हुआ और पत्रस से लोगों को बताया, और हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 1वां अध्याय। और वहां पर पत्रस ने यहूदा इस्करियोती के बारे में जो बात की है उसकी जगह बताई है, हम पढ़ते उसका 25वां पद। ये सेवा तथा प्रेरित पद में थी, यहूदा पतित थने पोताने ठिकाने गयो। हाँ, खुद की जगह पर गया, मतलब कि नरक में चला गया। विनाश का पुत्र कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना कि विनाश का जो पुत्र है वो तो नरक में जाएगा। पौलुस ने थेसलोनिका को पत्र लिखकर बताया यीशु मसीह का आना निकट है, लेकिन उससे पहले, यीशु मसीह आए उससे पहले विनाश का पुत्र प्रकट होगा। पौलुस तो वहाँ पर जो बात बोल रहे हैं वो स्पष्ट है, एंटीक्राइस्ट के लिए, वो एंटीक्राइस्ट के लिए बात कर रहे हैं, और उसको नाम दिया गया, मसीह के विरोधी को नाम दिया गया विनाश का पुत्र। लेकिन यीशु मसीह ने वो नाम किसको दिया था? यहूदा इस्करियोती को। यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह के निंदक, यीशु मसीह से ही अधिकार लो, यीशु मसीह के ही खिलाफ बोलो, उसका ही दान चोरी कर लो, यीशु मसीह की डांट खाओ, फिर भी यीशु मैं हूँ क्या हूँ, कितना भोला बनता है, यीशु मैं हूँ क्या, क्या तुझे नहीं मालूम 30 चांदी के सिक्के आवाज नहीं कर रहे क्या। यीशु मसीह ने उसको बोला विनाश का पुत्र, चाहे पौलुस एंटीक्राइस्ट को बोल रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह किसको बोलते हैं विनाश का पुत्र। कि करिंथ वाले बड़े बड़े पाप में थे, बच गए ना, सुतर गए डांट खाकर, कितना स्पष्ट बोला उनको। तो डांट इसलिए नहीं देता कोई कि प्यार नहीं है, जब प्यार नहीं होता तो उसको कोई डांटता ही नहीं, छोड़ो जाने दो, मरने दो उसको, उसको मरने दो, जाने दो नरक। लेकिन जब प्यार होता है तभी परमेश्वर डांटते, स्पष्ट शब्दों में डांटते। परमेश्वर ऐसे ही वचन नहीं देते, बहुत ध्यान से मरना। मैं हर बार परमेश्वर से पूछता हूँ परमेश्वर ने कौन सा बोला, और परमेश्वर मुझे वचन दे ये बात बोलना, और मुझे पक्का मालूम है ऐसा होता है तभी परमेश्वर देते, वरना नहीं देते परमेश्वर। तो परमेश्वर बोलते विनाश का पुत्र मत बनो यहूदा इस्करियोती के समान, लेकिन करिंथ वाले जिस तरह से उन्होंने पश्चाताप किया और पौलुस के खिलाफ नहीं गए, क्षमा मांग ली, परमेश्वर में फिर से जुड़ गए, ऐसे बनो कि पौलुस भी बोलने लगा कि आप लोगों की कितनी उत्कंठा अपने आप को निर्दोष ठहराने की। पौलुस खुद उनकी तारीफ करने लगे, ऐसा भय रखो नरक में जाएंगे, वहां नहीं जाना है, ऐसी तरह लोगों को खुद को निर्दोष साबित करें, हमें था अब नहीं हूं ऐसा, अब भूल से भी नहीं कर सकता मैं ऐसा। ऐसे पहले जो करिंथ वाले थे ऐसा बनने की हमें जरूरत है, नहीं तो विनाश का पुत्र बनेंगे। तो विनाश के पुत्र की एक ही जगह है और वो है नरक, और नरक में जाने से हम बच सकते हैं,
गए फिर कोई नहीं बचा सकता, फिर यीशु मसीह भी नहीं बचा सकते, किसी को भी बचा नहीं सकते, नरक में गिर गए फिर हमारे लिए कोई छुटकारा नहीं। अभी है, अभी मान लेते हैं। आओ हम हमारा बंद करते हमारे मस्तक को, यीशु मसीह के आगे झुकाते हैं, जो राजाओं के राजा हैं, जो प्रभु के प्रभु, जो कभी नहीं बदलते। सभी लोग अपने आंखें बंद रखें, सभी लोग अपने मस्तकों को झुका कर रखें। प्रभु यीशु का वचन है, जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां पर मैं हूं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु अच्छे हैं, भले हैं, उनकी इच्छा है कि हम में से किसी का भी नाश ना हो। वो इसीलिए स्पष्ट बोलते हैं, इसीलिए डांटते हैं। अगर यहूदा इस्करियोती बनोगे, विनाश का पुत्र बनेंगे, नरक पक्का है, करिन्थ वाले के समान बने। जो भी आज पता चला है उसको निकाल कर फेंक दो, अगर नहीं पता चलता है तो अभी भी गलती है, उसको ढूंढो कहाँ पर है, और वो है और है ही, उसको निकालो, पश्चाताप करो, भय रखो, स्वर्ग राज के बारे से जानो, एक बार नरक में चले गए फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर प्रभु यीशु भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वहां जाने से पहले है हमारे पास रास्ता, पश्चाताप करें, ये समस्या के आगे कबूलात करें, अपने आप को बचा लें, ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए, प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर हो। थैंक यू माय जीसस।